भारत विकास परिषद की नवोदय शाखा ने दयालबाग के खेलगांव परिसर में सीए के समर्थन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया इस कार्यक्रम में नवोदय शाखा से जुड़े सदस्यों ने सीए को समर्थन दिया भारत विकास परिषद की नवोदय शाखा ने दयालबाग के खेलगा परिसर में सी ए के समर्थन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया इस कार्यक्रम में नवोदय शाखा से जुड़े सदस्यों ने सी ए को समर्थन दिया कार्यक्रम का शुभारंभ भारत विकास परिषद के ब्रज प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर सुगम आनंद ने मां शारदे के चित्र के समक्ष द्वीप प्रज्वलित करके किया डॉक्टर सुगम आनंद ने कहा की नागरिकता संशोधन बिल दो पाकिस्तान नेपाल और बांग्लादेश ऐसी आये अल्पसंख्यक लोगो को देश नागरिकता देने का बिल है इससे किसी भी देशवासी की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है आज भारत नवोदय द्वारा ये सी के समर्थन में खेल कूद प्रतियोगिता करके हमने ये समर्थन जाहिर किया है और अपने सभी हमारे परिवार के सदस्य इस अधिनियम का समर्थन करते हैं क्योंकि ये किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं नागरिकता देने के लिए जो हमारे प्रताड़ित लोग अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए हैं और उनको कोई सामाजिक स्तर से किसी तरह की कोई सुविधाएं और अभी तक ए, उनको सही जीवन जीने का नहीं मिल रहा है उसको ए, उनके नागरिकता देकर उनको ए, जीवन स्तर उनका अच्छा करने के लिए ये कानून लाया गया है भारत विकास परिषद नवोदय एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है और ये इस नागरिकता कानून का समर्थन करती है ये इसलिए समर्थन करती है कि ये कानून किसी के विरोध में नहीं है ये कानून भारत में आए बसे हुए जो बहुत ही निकृष्ट हालत में लोग रह रहे हैं गरीबी की हालत में लोग रह रहे हैं उनको समानता का अधिकार देने के लिए उनको सामाजिक न्याय देने के लिए है तो मैं समझता हूँ एक प्रगतिवादी प्रगतिशील अधिनियम का समर्थन जन समर्थन होना चाहिए और इसका विरोध मैं समझता हूँ नाजायज है, है। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं और बच्चों ने भी सी बिल का समर्थन दिया सी समर्थन सभा के साथ ही खेल में भारत विकास परिषद का स्नेह मिलन समारोह भी आयोजित किया गया सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट